हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीएसएम पे। दोस्तों, कल के बिटकॉइन के पंप के बाद आज फिर से बिटकॉइन ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन आज ऑल्टकॉइन भी साथ साथ ग्रो कर रहा है। तो जानेंगे डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस में कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। क्यों? क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक करना तो बनता है। चलो, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, दोस्तों मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। हर रोज की तरह मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों, अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको सामने से कॉन्टेक्ट करता है किसी भी प्रकार के फेवर के लिए या फिर किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए दोस्तों, तो प्लीज उस पर्सन को ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या स्पैम रिपोर्ट कीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपको आने वाले दिनों में धोखा दे सकता है या फिर आपके साथ ठगी कर सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ऐसा जनरली होता रहता है दोस्तों, स्पेशली बुल मार्केट में। तो अपने आप को जागरूक रखिए, सतर्क रखिए और क्रिप्टो मार्केट में अर्निंग का मजा लीजिए दोस्तों। इसके अलावा बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, आप जाओगे नीचे दिए हुए वेबसाइट पे cryptoinsider.ta.blogspot.com पे, और वहां जाके दोस्तों आप मेरे जितने भी ऑफिशियल लिंक है, चाहे वो टेलीग्राम हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो दोस्तों, वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो मेरे ऑफिशियल लिंक। वहीं पे आपको मेरा ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल आईडी भी मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे वन टू वन मीटिंग करना चाहते हो तो जरूर आप वहां पे दिए हुए फॉर्म को फिल करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल। जी हाँ, कल जब बिटकॉइन ने डोमिनेंस लेवल पे काफी तेजी से पंप हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, और वो रिट्रेसमेंट हुआ। लेकिन लेकिन जो 10 EMA है वो काफी अच्छा सपोर्ट दिया, और वो जो है कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहा अर्ली मॉर्निंग के टाइम में, और कहीं ना कहीं काफी दिनों बाद काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गया था बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल। लेकिन लेकिन इस लेवल पे वो रिजेक्ट हुआ और वापस से इस लेवल से गोल्डन रेशियो को टेस्ट कर रहा है फिलहाल। और आप देखोगे कंटिन्यूअसली अब साइडवेज मोमेंटम ले रहा है, जो RSI है वो भी साइडवेज है, और जो MACD है वो रेड बना हुआ है लेकिन साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है दोस्तों। तो क्या यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा? तो मेरा मानना है नहीं, यहाँ से ये नीचे जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। पहली बात तो ये कंटिन्यूअसली ये इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, और ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है वो स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पे गोल्डन रेशियो बना हुआ है, अब वो इसको सपोर्ट का काम कर रहा है और बैक टू बैक कई आवर्स से इसको टेस्ट कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली मैंने लॉन्ग टर्म आपको बता रखा है कि ये नीचे जाएगा, उस हिसाब से ये आने वाले कुछ आवर्स में नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाएगा दोस्तों। फिलहाल देखो आप, बिल्कुल गोल्डन रेशियो इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है बैक टू बैक कई आवर्स से, लगभग 12 घंटे से ये इसी लेवल पे है दोस्तों। और यही रीजन है साइडवेज मोमेंटम जैसे ही ले रहा है बिटकॉइन, वैसे ही जैसे ही साइडवेज मोमेंटम बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल ले रहा है, वैसे ही मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ग्रीन मोमेंटम में बन रहे हैं, और यही नहीं अपने अपने न्यू ऑल टाइम हाई भी बना रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया था। तो दोस्तों ये जो मोमेंटम है ये ऑफ कोर्स तो आने वाले कुछ आवर्स में दोस्तों इस जगह पे साइडवेज मोमेंटम चालू रहेगा, और ऑब्वियसली हम इसके बाद नीचे अगर हम नीचे जाते हैं तो 10 EMA सपोर्ट देगा, तो ये क्रिटिकल जोन है। अगर यहाँ पे फेल कर जाते हैं तो अगेन 20 EMA सपोर्ट देगा 4 आवर के चार्ट पे। लेकिन एक बार अगर इस येलो लाइन के नीचे आ जाएंगे दोस्तों, वहां से कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मोमेंटम बनने लगेगा। RSI ऊपर का लेवल टच करके अभी नीचे जा रहा है, MACD ग्रीन्स में बना हुआ है लेकिन वो रेड की तरफ जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले कुछ आवर्स या 1 या 2 दिन में आपको वापस से उसी लेवल पे दिखेगा जहां पे हम थे दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो ऑल्टकॉइन कितना हाई जा सकता है आप एज्यूम कर सकते हो, जब बिटकॉइन ने साइडवेज मोमेंटम दिखाया, बिटकॉइन डोमिनेंस पे साइडवेज मोमेंटम चल रहा है, तब ऑल्टकॉइन इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है। वन डे के चार्ट पे एक फिक्र वाली बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे MACD जो है ग्रीन बन गया है और ये ऊपर की तरफ मोमेंटम है। लेकिन लेकिन दोस्तों अभी तक यहाँ पे हमने क्लोज जरूर किया था कैंडल गोल्डन रेशियो के ऊपर, लेकिन अगले दिन इसे रीटेस्ट करके अभी फिलहाल हम फेल हो रहे हैं। अगर हम इसके नीचे क्लोज कर जाते हैं, जो कि अभी भी 5 आवर से ज्यादा है इस कैंडल को क्लोज होने के, अगर हम गोल्डन रेशियो के नीचे आ जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही बुलिश हो जाएगा ऑल्टकॉइन के लिए आने वाले कुछ आवर्स के बाद दोस्तों। वहीं अगर हम यहाँ से रिजेक्शन मिलता है और ये जो सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पे कुछ दिन हमें इसी लेवल पे दिखे साइडवेज मोमेंटम, एंड देन वापस से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखे। क्यों मैं बोल रहा हूँ नीचे की तरफ जाएगा? क्योंकि वीकली चार्ट आप देखोगे अभी डाउनवर्ड मोमेंटम जस्ट शुरू हुआ है दोस्तों, जस्ट शुरू हुआ है, और हम वीकली चार्ट पे अभी गोल्डन रेशियो टेस्ट कर रहे हैं, क्लोज नहीं कर रहे हैं। क्लोजिंग संडे के बाद होगा, तो अभी काफी टाइम है, इस बीच में हमें देखने को मिल सकता है वापस से रिजेक्ट होते हुए, और जैसे जैसे ही नीचे आएगा वैसे ही ऑल्टकॉइन और तेजी से सर्ज होता चला जाएगा दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे क्या हो रहा है। बिटकॉइन के चार्ट पे आप देखो, आज सुबह में मैंने आप लोगों को जब नया ऑल टाइम हाई बनाया बिटकॉइन ने, ऑफकोर्स वो जो बना अप्रॉक्सिमेटली आपको $48,200 तक देखने को मिल गया था बिटकॉइन, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ एंड 20 EMA टेस्ट करके अभी वापस से ऊपर जा रहा है। तो क्या ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा? तो मेरा मानना है हाँ, टेम्पररी बेस पे ये थोड़ा सा वापस से ऊपर जाएगा। और मैंने ये जो ग्राफ आपको शो किया था सुबह में वो इस बेस पे था, ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैंने शेयर किया था, और डिटेल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया था। बट अभी के टर्म में अगर बात करूं तो आने वाले कुछ आवर्स आपको हो सकता है साइडवेज मोमेंटम लेते हुए या फिर ऊपर जाते हुए दिखे दोस्तों। वही 4 आवर के चार्ट पे आपको ले जाऊंगा। पहले 4 आवर के चार्ट पे आप देखो 20 EMA काफी नीचे बना हुआ है, लगभग 42,788। वहीं जो MACD है व्हाइट में बना हुआ है, तो क्या यहाँ से नीचे आ जाएगा? मैंने आपको बताया कुछ आवर्स जो है हो सकता है यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम ले या फिर थोड़ा सा ऊपर और जाए, उसके बाद ये वापस से 20 EMA की तरफ जरूर दिखेगा हमें आने वाले कुछ आवर्स के बाद दोस्तों। और वहीं वनडे के चार्ट की बात करें, वनडे का चार्ट काफी बुलिश है, आपको पता ही है वनडे का चार्ट यहाँ पे कितना बड़ा पंप आया था कल, उसके बाद भी आज भी ऊपर की तरफ ही गया है।
लेकिन आज जो मोमेंटम लिया है वो काइंड ऑफ कह सकते हो सस्टेनेबल है। कल का जो मोमेंटम था सस्टेनेबल नहीं था, लेकिन क्योंकि टेक्निकली जो है 4-5 दिन पहले से ही दिखा रहे थे कि अपवर्ड मोमेंटम हो सकता है, और इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। लेकिन जो 20 EM है वो काफी नीचे बना है 37,000 पे, तो क्या यहाँ इस लेवल पे गिर जाएगा? तो मेरा मानना अचानक से नहीं होगा दोस्तों। ये जो पैटर्न मैंने आपको सुबह ड्रॉ करके दिया, ये एग्जैक्टली कुछ वैसा ही पैटर्न मैंने ट्राई किया आप लोगों को प्रिडिक्ट करने की, जैसा पिछला मोमेंटम हुआ था। और ये जो डॉटेड लाइन है जो महीनों से चला आ रहा है वो अभी भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसीलिए मैंने आपको अगर 1 आवर के चार्ट पे देखो, अगर 1 आवर के चार्ट पे आप चलोगे तो 1 आवर के चार्ट पे आप देखो इस लेवल पे मैंने काफी बड़ा सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। अगर इस लेवल को तोड़ जाता है दोस्तों तो हो सकता है 55,000 तक हमें दिखे आने वाले कुछ दिनों में बिटकॉइन। और जो पैटर्न बनाएगा कुछ वैसा ही बनाएगा जैसे कुछ दिन पहले 1 आवर के चार्ट पे बना रहा था। ये जो था वो इस लेवल पे था दोस्तों, एंड यहाँ पे आप देखो कि कितना तेजी से सर्ज हुआ था, एंड उसके बाद डाउनवर्ड मोमेंटम, और इस फ्लैग में ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा था। इवन तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल था, मैंने आपको बता भी था कि नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन मार्केट का फंडामेंटल उसको ऊपर लेके आया। और इस लेवल पे जब आया था तभी मैंने आपको कह दिया था कि अगला टारगेट 47,000 हो सकता है अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, और यही हुआ दोस्तों। इस हिसाब से जो अगला टारगेट है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये कुछ इस ऐसा ही पैटर्न अगर फॉलो किया तो कुछ इस लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में बिटकॉइन। हो सकता है 50 से 55,000 तक जाए। अगर 50,000 टेस्ट करने के बाद ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन है, अगर इस लेवल पे अगर ये टेस्ट करके नीचे नहीं जाता है तो 55,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये जो पिंक लाइन मैंने ड्रॉ किया था ये एजम्पशन बेस्ड है, अगेन ये ऐसा हो भी सकता है, चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी वाइज, जैसा अभी मोमेंटम रिसेंटली दिखाया था। क्या एग्जैक्ट पैटर्न होगा कोई जरूरी नहीं दोस्तों, लेकिन ओवरऑल जो पैटर्न बन रहा है ना बुलिश, ये उस चीज को शो कर रहा है कि वन डे के चार्ट पे जिस हिसाब से हम पैटर्न बना रहे हैं उस हिसाब से कुछ वैसा ही प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं वन डे के चार्ट पे, हम एग्जैक्टली वैसा ही कुछ ग्रोथ दिखा रहे हैं जैसे यहाँ पे दिखाए थे हमने जनवरी के अर्ली डेज में, तो वैसे ही फरवरी के अर्ली मंथ में कुछ वैसा ही पैटर्न हम दिखा रहे हैं। और 2 से 3 दिन हो सकता है ये ऊपर की तरफ जा सकता है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम आएगा, और अगर आएगा तो मेजर जो सपोर्ट बनेगा वो लगभग लगभग 40,000 के अराउंड में बनेगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन में आने वाले 1 से 2 हफ्ते में क्या हो सकता है अगर ये प्ले आउट हुआ सेम तरीके से दोस्तों। लेकिन क्या ये डिफरेंट पैटर्न नहीं ले सकता? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन ये मैंने एडवांस में आपको जस्ट सजेशन दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में प्ले आउट होते हुए, और जब ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर कंफर्म करूंगा। आपको बस नजर रखना है 50,000 के अगर नीचे रहता है तो वी कैन स्टिल हैव द करेक्शन टिल बिलो, बट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो लगभग 55,000 तक जा सकता है दोस्तों, एंड उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है 40,000 तक का लेवल। और ये जो टाइम पीरियड है ये भी अजम्पशन बेस्ड है, तो जो भी प्रोग्रेस होगा ग्राफ पे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको बताया कि करेक्शन या साइडवेज मोमेंटम जारी रहेगा, या फिर दोस्तों आने वाले कुछ आवर्स में आपको थोड़ी देर साइडवेज मोमेंटम के बाद ऊपर का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखेगा। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो मैंने बताया होगा कि अगला टारगेट 50,000 के अराउंड है दोस्तों। ये तो हो गया बिटकॉइन की बात कि बिटकॉइन ये कर सकता है आने वाले कुछ आवर्स में, लेकिन इथीरियम का क्या हो रहा है? इथीरियम के BTC चार्ट पे देखो क्या हुआ। कल मैंने आपको वनडे के चार्ट पे कहा था कि 20 EMA फेल करता है तो हमारा जो अगला लेवल हो सकता है वो लगभग 0.033 BTC के अराउंड में हो सकता है, और ये मैं तभी बोल दिया था कि अगला सपोर्ट जो मेजर है यहाँ पे बन सकता है। फिलहाल अभी ये उस लेवल तक पहुंचा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा इसे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है इस लेवल तक जा सकता है इन टर्म्स ऑफ BTC, और जब ये इस लेवल पे जा रहा होगा तो हो सकता है बिटकॉइन जो है हमारा 50,000 डॉलर तक रीच कर सके। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सारे ऑल्ट कॉइन रेड हो जाएंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। BTC चार्ट पे भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन अपना ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, नया बना रहे हैं, और बहुत सारे ऑल्टकॉइन बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। तो फंडामेंटल जरूर प्ले करता है, लेकिन साथ में टेक्निकल एनालिसिस पे भी नजर रखना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं कि ऑल्टकॉइन ऊपर जाएगा दोस्तों चाहे मोमेंटम कुछ भी हो। फिलहाल के लिए इथेरियम के चार्ट पे जरूर यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस लेवल तक जाते हुए। तो अब कई लोगों के होंगे क्वेश्चन, क्या हमें सेल कर देना चाहिए? तो मेरा कहना नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। इथेरियम के USD चार्ट पे देखो ये डेली ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये डेली का चार्ट है और डेली के बेसिस पे आप देखो बैक टू बैक इसी लेवल पे बना हुआ है टेस्ट कर रहा है, एंड आज कुछ डोजी अभी फिलहाल बना हुआ है, 5 आवर्स अभी भी हैं, अभी कैंडल ग्रीन जरूर बना हुआ है दोस्तों, लेकिन कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं बता दूं पिछले कई दिनों से बैक टू बैक 3-4 दिनों से इसी लेवल पे बना हुआ है, और ये जो 1600 डॉलर का जोन है बहुत अच्छे से सपोर्ट का काम कर रहा है। वही 4 आवर के चार्ट की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि इथेरियम के यूएसडी डॉलर पे आपको जो चीजें मोमेंटम है अभी हल्का सा साइडवेज दिख रहा है, यानी कि अभी वापस से इस लेवल को टेस्ट कर सकता है लगभग 1688 डॉलर, एंड अगर नीचे जाता तो लगभग 1600 तक, तो हमें सेल करना चाहिए। तो मेरा मानना नहीं, ये जो देख रहे हो ना आपका पैटर्न कैंडल्स के ये बहुत बुलिश है, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिल रहा है, एंड यहाँ पे जो है ना बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये बैक टू बैक कई दिनों से इस लेवल पे बना हुआ है, पिछले कई दिनों से इस लेवल पे बना हुआ है, तो ये बहुत बुलिश पैटर्न है दोस्तों। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही ऊपर जाएगा। फिलहाल जो टारगेट है मेरा मैंने बता ही रखा है 2000 डॉलर का होगा पहला जो जोन होगा, उसके ऊपर जाता है तो लगभग 2300
$100 तक हो सकता है। नीचे की तरफ जाता है तो अब वो ऑफकोर्स मैंने बता ही रखा है 20 MA पे नजर रखना, बाद में उसके ऊपर 1600 के अराउंड में जा सकता है। इसके भी नीचे अगर गया तो लगभग $1542 तक जा सकता है, लेकिन क्या ये जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अगर जाता है दोस्तों और आपने एंट्री नहीं बनाई तो आपको एंट्री के लिए जरूर मिल सकता है ये सारे लेवल्स, और वर्स्ट सिनेरियो में इस लेवल पे लगभग लगभग $1500 तक भी दिख सकता अभी भी फिलहाल, ठीक है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा नहीं कि सेल करो, आप होल्ड करो, क्योंकि इथीरियम ब्रेकआउट दिखा रहा हैवीली ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये बहुत ही बुलिश है क्योंकि वीकली चार्ट बहुत ही ज्यादा बुलिश है इथीरियम का, और ये जस्ट स्टार्टिंग हुआ है इस वीक का, ओके। एंड स्टिल वी आर इन ग्रीन जोन, तो यूएसडी डॉलर में तो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, एक बार बिटकॉइन के ग्राफ पे ग्रो करना शुरू कर दे दोस्तों। फिलहाल के लिए ऑफकोर्स मैंने बता दिया कि बिटकॉइन के मोमेंटम के ऊपर इसका ग्रोथ डिपेंड करता है, लेकिन सारे ऑल्ट कॉइन ऐसा नहीं है, चाहे बीएनबी हो, चाहे एक्सबीएस हो, चाहे अवाया हो, चाहे आपका ईजीएलडी हो, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन है जो मेरे जो जोन मैंने जिस जोन पे आप लोगों से एंट्री बनवाई थी वो ऑलरेडी उस जोन से 3x भी कर चुका है, 4x भी कर चुका है ऑलरेडी। तो दोस्तों सारे ऑल्ट कॉइन नहीं होगा, और इसीलिए जब कल आपका मार्केट रेड होने के बाद आपका पोर्टफोलियो जितना गिरा था आज उतना ही उससे ज्यादा रिकवर कर दिया होगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर एंड इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन एज वेल, रिकवर मार दिया होगा आपका पोर्टफोलियो, यही रीजन है। और अगर नहीं मारा ना, इफ यू आर स्टिल इन लॉस यू नो, तो प्लीज होल्ड इट, प्लीज होल्ड इट, डोंट सेल इट। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑल सीजन है, और ऑल सीजन में यूं बड़े बड़े जो ग्राफ है ना बहुत तेजी से बनते हैं, और जो करेक्शन है वो मार्केट के लिए फंडामेंटली जरूरी है। तो फिलहाल करेक्शन का जरूर टाइम बना हुआ है, लेकिन ये ऊपर जरूर जाएगा। बीटीसी चार्ट पे मैंने आपको बता दिया सपोर्ट लेवल, इस लेवल तक जा सकता है वो, इससे भी वर्स्ट सिनेरियो हुआ तो 0.31 तक जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों यहाँ से साइडवेज मोमेंटम होगा और थोड़ा बहुत वीक इस लेवल तक दिख जाए जरूर, लेकिन यहाँ से रिवर्सल धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा 1 डे के चार्ट पे, और ये सब कुछ होगा इसी वीक, बाय द एंड ऑफ द वीक आपको रिवर्सल पैटर्न दिखने लगेगा। तो आपको नजर बना के रखना है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस कहाँ जा रहा है और बाकी का पोर्टफोलियो आपका कैसा ग्रो कर रहा है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑल्ट कॉइन जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और जितना तेजी से बिटकॉइन ग्रो करेगा डॉलर में उससे भी तेजी से ऑल्ट कॉइन ग्रो करेगा जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा। और आज कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया, आज नया ऑल टाइम हाई है, फिर भी बिटकॉइन के कंपैरिजन में ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से यूएसडी डॉलर पे बहुत तेजी से ग्रो किए हैं। उसका रीजन यही है कि जब बिटकॉइन नया मोमेंटम बनाता है तो ऑल्ट कॉइन उसको फॉलो करता है, और ऑल्ट सीजन में बहुत तेजी से फॉलो करता है, ठीक है दोस्तों। तो अपने फंड को यार अभी लॉस में सेल मत करना, अगर लॉस में हो तो, अगर नहीं हो तो बहुत वेल एंड गुड, एंड आने वाले टाइम में आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो डोंट वरी, ऑल्ट सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया आज का बिटकॉइन, इथीरियम और ऑल्ट कॉइन ओवरऑल शॉर्ट टर्म में क्या कर सकता हूँ मैंने आपको बता दिया। लेकिन लेकिन दोस्तों बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, और मैक्सिमम जो क्वेरीज होते हैं जब भी कोई कॉइन लॉस में होता है तो उनका ये आता है कि क्या मुझे इससे इसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि कई दिनों से मेरे से बार बार पूछा जाता है कि टीआरएक्स क्यों नहीं मूव कर रहा है, टीआरएक्स कब तक मूव करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 या 3 वीक, 2 या 3 वीक, और ये जिस वीक से मैं बोल रहा हूँ उस वीक से आज ये दूसरा वीक है, स्टिल आई एम सेइंग कि कम से कम 2 वीक और। तो क्या ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो मोमेंटम तो ऑलरेडी दिखा रहा है पिछले पिछले कई दिनों से, ये ऑलरेडी 114 सतोसी का भी 107 सतोसी रीटेस्ट कर रहा है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैकडी जो है ना ग्रीन बनने जा रहा है, और जो आरएसआई है वो नीचे का बॉटम लेवल टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, और ये वीकली चार्ट है दोस्तों, और जो बुल रन होता है उसमें वीकली चार्ट पे कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ वैसा ही आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इस लेवल का नहीं भी मिलता है तो कुछ ऐसा ही आपको वीक टू वीक मिलेगा। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ना ऑल सीजन में जब ये बढ़ना शुरू होगा ना, एक बार 20 MA के ऊपर क्लोज कर गया ना कैंडल वीकली चार्ट, उसके बाद क्या होगा, आप जाके बाइनेंस का चार्ट खोल के देख लो, आप चाहो तो आप जाके ईजीएलडी का ग्राफ जाके देख लो, आप चाहो तो एक्सबीएस का ग्राफ देख लो, तो यही कुछ इसके साथ भी होने वाला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या मुझे इस कॉइन से उस कॉइन में स्विच कर लेना चाहिए, तो यार समझो जो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं उसमें स्विच करोगे, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अच्छा खासा एंट्री ले रखा है 90 सतोसी से बिलो, और आप स्विच करोगे, ऐसा ना हो आप स्विच करो और ये मूव कर जाए फिर ना इधर के रहो ना उधर के रहो। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ पेशेंस रखो, क्योंकि मैंने आप लोग को जो भी कॉइन दिलवाया ना कम से कम 3 महीने होल्ड करने के लिए बोला हुआ है, तो यार देखो तो सही, कम से कम 3 महीने नहीं तो 3 वीक होल्ड करके देखो, जरूर आएगा। और आज जब टीआरएक्स थोड़ा सा मोमेंटम लिया तो ग्रुप में बोलने लगे लोग यार 20% तो अप आ गया और कितना अप जाएगा, सेल कर दूं, तो यार मेरा आंसर होगा जाके मेरा वीडियो देखो प्रिडिक्शन सारे ऑल्ट कॉइन का, ठीक है। और आपको 20% चाहिए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, आपको 20 गुना चाहिए तो जस्ट वेट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, जाके वीडियोस देख लो, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। आई एम श्योर कि बहुत लोग नए बंदे ज्वाइन कर रहे हैं चैनल और उनको उसके बारे में खबर नहीं है, मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके यूट्यूब का प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे पास, उनमें से मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मुझे नाम नहीं याद है पर्सन का, बट उनका मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन था कि उनका जो मैक्सिमम फंड है ना ऑलमोस्ट सारा फंड जो है इथीरियम में लगा हुआ है, तो क्या उनको इथीरियम सेल करना चाहिए या फिर इथीरियम में से कुछ पार्ट निकाल के डिफरेंट पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। तो यार मैंने कभी भी, जब मेरा पोर्टफोलियो, आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा और आप अगर मुझे फॉलो कर रहे होंगे, तो मैंने बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल के ना वेरी फर्स्ट वीडियोस ऑनवर्ड बोल रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना सीखो, ठीक है। मैंने जरूर बोला 2 इथीरियम होल्ड करो और समथिंग इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टोटल कुल मिला के 2 ही इथीरियम है, पोर्टफोलियो डिवाइड नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कितना भी अच्छा कॉइन क्यों ना हो,
कितना भी अच्छा कॉइन क्यों ना हो, डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिर्फ एक में पैसा लगा रहेगा, अगर वो जब तक बढ़ेगा नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं वो लगेगा कि पैसा फंसा हुआ है, राइट। और अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, तो एक कॉइन मान लो 100x कर लिया, एक ने 50x कर लिया, एक ने 10x किया, एक ने 20x किया, तो एवरेज जो है ना आपका वेरी सेफली, आपका एवरेज बहुत अच्छा बन जाएगा। और हो सकता है कुछ कॉइन 5x ही कर लिया, तो आपका एवरेज बहुत अच्छा बन जाएगा, समझ रहे हो, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो कम से कम आपका जो भी पोर्टफोलियो है ना, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जाके आप मेरे वीडियोज देखो, और जो भी आपको कॉइन लेना है उस हिसाब से, कुछ नहीं तो मेरा शॉर्ट टर्म में जो मैंने क्विकली किया था 100 कॉइन्स का एनालिसिस, टॉप 100 कॉइन का, वो जाके देख लो, उससे आइडिया मिल जाएगा कौन सा कॉइन आप होल्ड कर सकते हो। और ऑब्वियसली मेरा रिकमेंडेशन हमेशा पोलका डॉट लिंक और SXP अभी फिलहाल मैं बोलता हूँ लोगों को होल्ड करने के लिए, और इसके अलावा EGLD भी बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ऊपर है दोस्तों, अभी जिस प्राइस पे ऑलरेडी है ना, इससे बहुत ऊपर है, तो आप लोग होल्ड करोगे तो अच्छा मिलेगा रिटर्न। एंड इसके अलावा कम से कम बाकी के कॉइन्स जो मैंने लो मार्केट कैप वाले जो कॉइन्स थे वो बताए हुए हैं आप लोगों को, जो कि काफी सस्ते में है, 20 सतोसी, 22 सतोसी, 30 सतोसी, 50 सतोसी, इन रेंज में है वो, और उनका जो पोटेंशियल है वो 100x से लेकर 200x तक है। तो आप जाके यार मेरे पुराने वीडियोस देखो, उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालो, ये मत सोचो 100x है तो यार उसमें सारा अमाउंट डालो, ठीक है, नहीं डालना है। करने के लिए पोलका डॉट यहाँ से 100x आराम से करेगा, यहाँ से आराम से कर सकता है, समझ गए। और नहीं करने के लिए हो सकता 50x ही करे, राइट। लेकिन वो बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत सेफ कॉइन है, और इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ एंट्री बनाओ। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो आपका सिर्फ एक ही कॉइन में लगा हुआ है, पूरा का पूरा फंड आपका एक ही कॉइन में लगा है, ऑफकोर्स अगर आप छोटा सा पोर्टफोलियो आपका 10,000 या 50,000 का, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि छोटा छोटा अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट कॉइन में लगाओ। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 2-2 लाख का है, 5-5 लाख का है, 10-10 लाख का, और सिर्फ एक ही कॉइन में लगाया, दो कॉइन में लगाया, उसको डाइवर्सिफाई करो कम से कम 10 कॉइन, 10 ऑल्ट कॉइन में, ठीक है। इससे क्या होगा, एवरेज अच्छा बनेगा, और किसी एक में प्रॉफिट में रहोगे और दूसरे में अगर नुकसान हो रहा होगा तो होल्डिंग करते हुए आपको तकलीफ नहीं होगी, और राइट टाइम पे तो सारे सेल में जरूर करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो होपफुली यार ये जो कॉमन क्वेश्चन थे ना पूरे दिन भर जो आ रहे थे, वो अब आप लोगों का आंसर मिल गया होगा। तो गाइज आप लोग ना मतलब अपने पोर्टफोलियो को फिर मतलब अभी तक डिजाइन नहीं किया ना, तो मेरा जाकर वीडियो देख लो, वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्राइब किया हुआ कि किस बेसिस पे किस हिसाब से पोर्टफोलियो डिवाइड करते रहना चाहिए, सो दैट बुल रन के एंड में होते होते आपके पास सफिशियंट बिटकॉइन, ठीक है। तो आप जाके वो सारे वीडियोस देखो, और उसके बाद पोर्टफोलियो डिवाइड करो जो भी आपको लगता है आपके हिसाब से बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। मैंने तो बता रखा मेरा एनालिसिस, उस एनालिसिस के ऊपर आपके कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो दोस्तों। फिलहाल मैंने एक क्विक पोल पूछा था कि यार कल के कंपेरिजन में आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो अभी तक आपने मेरे कहने पर इन्वेस्ट किया है वो क्या है, मतलब अभी भी लॉस में हो, तो उसमें 18% लोगों का, ऑब्वियसली 108 वोट ही आए, मैंने बहुत शॉर्ट टर्म पे लिए, शॉर्ट नोटिस पे ये पोल किया, 19 वोट यानी 18% लोगों का कहना है कि मैं अभी भी लॉस में हूँ, ठीक है। 49% लोग कहते हैं कि यार मैं लॉस में नहीं हूँ, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ठीक है, मतलब उनका प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अगर कल के कंपैरिजन में देखें, कल उनका काफी पोर्टफोलियो लो हो गया होगा, लेकिन आज वो एटलीस्ट प्रॉफिट में आ गए। वहीं वहीं 18% लोग का कहना है कि मेरा पोर्टफोलियो आपने जिस रेंज में दिलाया हुआ उस हिसाब से मेरा एवरेज जो पोर्टफोलियो है वो 2x हो गया, यानी डबल हो गया। वहीं 4% लोग कहते हैं 3 गुना से भी ऊपर हो गया, एंड 1% है जो लोग कह रहे हैं कि उनका तीन गुना से भी ऊपर, मतलब अप टू 3 टाइम्स नहीं, मोर देन 3 टाइम्स हो चुका है उनका। एंड 10% लोग कह रहे हैं कि अभी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे सिग्नल्स को, और अभी तक उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो गाइस जो लोग लॉस में हो ना, डोंट वरी, जस्ट 2 या 3 दिन और दे दो और देखो क्या होता है, ठीक है। एंड जो लोग बोल रहे हैं ना कि आप प्रॉफिट में हैं बट ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो गाइज होल्ड इट, जस्ट होल्ड इट, देखना आपका क्या होगा। और हो सकता है अगले वीक आप लोगों के कमेंट्स होंगे कि मेरे फंड जो है ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है, अगर मार्केट जो मेरे हिसाब से मैंने जो बोला है आपको अगर वैसा प्ले आउट होता है तो। और दोस्तों अगर नहीं भी होता है तो घबराने वाली बात नहीं है, 1 वीक नहीं तो 2 वीक सही जरूर होगा, ठीक है। ये मैंने जस्ट एनालिसिस के लिए लिया था कि कितने लोग अभी भी लॉस में हैं, एंड मतलब मुझे एक एवरेज फिगर मिल जाता है, एंड उसके हिसाब से मैं आप लोगों को चीजें सजेस्ट करता रहता हूँ दोस्तों। तो यार ऐसे ही आप लोग पोल में ना पार्टिसिपेट करते रहो, क्योंकि ना नेक्स्ट वीडियोज बनाने में ना या फिर नेक्स्ट कंटेंट बनाने में मुझे काफी हेल्प करता है, और मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता हूँ, ठीक है गाइस। तो यार अपना जो है ना मतलब इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना यार लाइक कर देना, एनालिसिस समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन कर लेना, और अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा हमारा कम्युनिटी ग्रो करे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों। और अगर आप मेरे रिकमेंडेड जो साइट और टूल्स है उसे यूज करना चाहते हो तो जाके इन सारे जो एक्सचेंजेस पे हैं उन पे रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि बुल रन में एक टाइम जब ऐसा आता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, एक्सचेंजेस रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं। कल बाइनेंस कहीं ना कहीं डाउन हुआ था, लास्ट बुल रन में ऐसा हुआ था, जब बाइनेंस ज्यादा डाउन होने लगा था तो बाइनेंस ने न्यू रजिस्ट्रेशन बुल रन के मिड में बंद कर दिया था, मतलब बुल रन जब चल रहा था उस टाइम बंद कर दिया था। तो इससे पहले ये लोग बंद कर दे रजिस्ट्रेशन यार,
जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, केवाईसी कर लो, मेरा रेफरल कोड यूज करोगे या इस लिंक को क्लिक करके अगर ज्वाइन करोगे, फ्री में आपको ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट मिलेगा 10% तक, ठीक है। एंड उसके अलावा मेरे जाके वीडियोस देख लेना कि कैसे आपको बीएनबी एक्टिवेट करने पे 25% तक आपको ऑफ मिल जाता है फी पे, वो सारा कुछ मैंने वीडियो के डेमो में बता रखा है दोस्तों। और इसके अलावा बाकी के एक्सचेंजेस पे भी रजिस्टर कर लेना, जितने भी चीजें मेंशन है वो आपको फ्री में मिलेगा मेरे लिंक के थ्रू अगर आप रजिस्टर करते हो। टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो इस लिंक पे जाके फ्री में अपना अकाउंट बनाना, जब फ्यूचर में कभी परचेस करोगे तो $30 फ्री में मिलेगा। एंड यही नहीं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो एक्सेल शीट में मैनेज करना चाहते हो तो मैंने पूरा का पूरा एक एक्सेल शीट आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, इसमें करंट प्राइस के बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो अपडेट होता रहेगा एक्सेल शीट में। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग जो डेमो वीडियो है वो भी सुटेड है, तो आप जाके यूट्यूब पे जरूर प्लेलिस्ट में साथ मेरे प्लेलिस्ट में जाके सर्च जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो आप अबाउट मी सेक्शन में जाओगे और जितने भी मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे लिंक उन सबको फॉलो करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो ये है मेरा कम्युनिकेशन मेल आईडी। एंड अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हो तो फेसबुक पे आप चैट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आपको मेरा जो वर्क है वो आपको पसंद आता हो और आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप trxpolka.ethereum या बिटकॉइन में मुझे अपना कंट्रीब्यूशन सेंड कर सकते हो। अगर आप इंडियन यूजर हो दोस्तों तो आप यूपीआई के थ्रू भी आप अपना डोनेशन दे सकते हो। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हो 1-to-1 तो उसके लिए ऑप्शन इनेबल है। आप जाओगे होम पेज पे और लाइव डिस्कशन वाला जो टैब है उसे क्लिक करके यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको लगता है, जो भी आपकी क्वेरीज है, जिस जो भी आपकी टाइमिंग है उस हिसाब से चूज करके आप 1-to-1 मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, और मैं जब भी अवेलेबिलिटी होगी टाइम की मैं आपको ईमेल पे कंफर्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो गाइस आई एम होपफुल कि आज का वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आया हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।